The question is, we have to integrate the function which is 1 upon x between the limit 2 to 3. So let's see how we are going to solve the given problem. So चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है डेट इज 2 टू 3 विच इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो फंक्शन आपके पास है 1 अपॉन एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल हमारे पास होता है एल एन मॉड ऑफ एक्स के. तो इनकेस अगर मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो 1/x का इंटीग्रल आपको मिलेगा एल एन मॉड एक्स. और इसके बाद आपको फंक्शन की लिमिट भी अप्लाई करनी. तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की लोअर लिमिट आपके पास 2 है और अपर लिमिट आपके पास 3 के इक्वल है. तो अभी चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लिमिट को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप ये अपर लिमिट सबमिट करें और जैसे आप अपर लिमिट सबमिट करेंगे तो ये बनेगा एल एन मॉड ऑफ 3 माइनस देन आफ्टर आपको इसकी लोअर लिमिट सबमिट करनी है तो ये बन जाता है एल एन 2 के. ठीक है, अब क्योंकि 3 और 2 ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप इस मॉड को डायरेक्टली यहां से रिमूव कर सकते हैं. तो इसके बाद ये फाइनली ये बन जाएगा एल एन 3 माइनस एल एन 2 के. अब लॉगरिथम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेट इज एल एन एल एम माइनस एल एन, ये आपके पास इक्वल होता है एल एन एम अपॉन एन के. तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो आप इसको लिख सकते हैं एल एन 3 अपॉन 2 एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.